राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंत्र विज्ञान की, साइंस ऑफ मंत्रा। मंत्र दोस्तों एक ऐसी रेमेडी है जो आप बिना किसी चीज़ के खर्च किए, बहुत ज़्यादा कोई महंगा परामर्श लिए, खुद से कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मंत्र का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा मंत्र राशि के अनुसार, जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपके लिए शुभ है। मंत्र, दीज आर साउंड्स ऑफ पावर। मंत्र जो है ये शक्ति की ध्वनि है। शास्त्रों में आया है दोस्तों कि जो मंत्र हैं, मन है तारयति इति मंत्र है, यानी जो मन को तार दे वही मंत्र है, वही ध्वनि है। तो जो मंत्र रहते हैं किसी भी संबंधित देवी देवता के या घरों के, जो मंत्र हैं शास्त्रोक्त जो मंत्र बताए गए हैं, वो मंत्र उन देवी देवताओं या घरों के जो सकारात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक जो ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज, उनको खींच कर आप तक लाते हैं ताकि आपको उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल सके। मंत्रों का जनरली, वैदिक मंत्रों का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका भाव और श्रद्धा उसमें है तो उनका कोई नुकसान नहीं है। मंत्र आपके शुभ घरों की शुभता को बढ़ाते हैं और अशुभ घरों की शुभता को घटाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई घर अशुभ फल देने वाला है, कोई मारक है, कोई छठे घर का स्वामी है, तो उसका आप मंत्र नहीं जप सकते, या आपका कोई योग कारक घर है तो उसका आप मंत्र जपेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र सभी के लिए, सभी घरों के लिए जपा जा सकता है, आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल कहते हैं दोस्तों आपके मस्तक को, यानी आपके मस्तक पर लिखे हुए बुरे प्रारब्ध रूपी अंधकार को मंत्र मिटा सकते हैं। प्रारब्ध कहते हैं जो आपने पिछले जन्मों के जो कर्म किए, अच्छे या बुरे, उसके अनुसार आपका जो जीवन है, इस जो घरों का प्रभाव है आपको इस जन्म में मिल रहा है, वो आपका प्रारब्ध है। तो उस प्रारब्ध को ये ठीक कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। दोस्तों, जो ग्रह रहते हैं ये हमारी जो घरों की चुंबकीय ऊर्जा होती है, मैग्नेटिक एनर्जीज, वो हमारे दिमाग पर, बुद्धि पर पहले असर करती है, फिर हम उसके अनुसार कर्म कर जाते हैं। शुभ ग्रह की शुभ वाइब्रेशनल एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे ऊपर प्रभाव डालती है तो हम अच्छे कर्म कर जाते हैं, हमें फ़ायदा रहता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव रहता है तो नेगेटिव रहता है, हमें अशुभता मिलती है। तो किसी भी ग्रह से या देवी देवता से संबंधित जो मंत्र है, वो आपको उसकी सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। अगर शनि मान लीजिए या मंगल मान लीजिए आपके लिए, आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह है, तो आप उसका मंत्र जपेंगे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी आपको। तो दोस्तों, जो मंत्र का पहला अक्षर है वो मंत्र का तत्व निर्धारित करता है, और राशि अनुसार चार तत्वों में अगर हम बांटें राशियों को, 12 राशियों को, तो चार तरह की राशियां बनती है। आज मैं जो जलीय राशि हैं उनके शुभ मंत्रों के बारे में आपको बताऊंगा। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियाँ हैं, इनके शुभ मंत्र कौन से हैं जो आप किसी भी क्षेत्र में आप फायदा चाहते हैं, जो मतलब शुभता ही देंगे आपको हर क्षेत्र में अगर आप उनको जपते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि की। जल की, भावनाओं की सबसे बड़ी राशि, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। कर्क में दोस्तों जो मंत्र लय, वय और न, लय, वय और न, इन अक्षरों से जो मंत्र शुरू होते हैं वो मंत्र महाशुभ होते हैं। जल तत्व की ये राशि है, पृथ्वी और जल तत्व के मंत्र इनके लिए महाशुभ होते हैं, अग्नि तत्व के मंत्र अशुभ होते हैं। लय, वय और न, जैसे भगवान शिव का मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है जो हर वक्त आपको जपना चाहिए, नहीं तो सुबह और शाम अगर आप 10-10 मिनट जपते हैं तो महाशुभता देने वाला है ये आपके लिए। वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः,
भगवान श्री गणेश के इस महामंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ल व न शुरू से शुरू होने वाले मंत्रों को कर्क राशि वाले बिना ज्योतिषीय परामर्श के जप सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में तीन हिस्सा जल रहता है, एक हिस्सा अग्नि रहती है। वृश्चिक राशि के लिए भी अग्नि तत्व के मंत्र अशुभ होते हैं, जो जल तत्व के मंत्र हैं वो महाशुभ होते हैं। तो जो मंत्र व प न क और द से शुरू होते हैं वो मंत्र वृश्चिक राशि वालों के लिए महाशुभता लेकर आते हैं, महासौभाग्यशाली होते हैं। कैसे जैसे क्लिम कृष्णाय क्लिम, ओम क्लिम कृष्णाय नमः, या सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही अगर आप जपेंगे तो वो भी एक महामंत्र है। इस तरीके से आप वृश्चिक वालों को कैसे व प न और द से वाले मंत्र जो हैं उनको जपना चाहिए। जैसे ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, मंगल का ये मंत्र है जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये मंत्र भी आपको महाशुभता देने वाला है। इन अक्षरों से शुरू होने वाले मंत्र आपके लिए महासौभाग्यशाली होते हैं। तीसरी जलीय राशि है मीन राशि। मीन राशि इसके स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जल तत्व की ये राशि है। पृथ्वी और जल तत्व के जो मंत्र रहते हैं वो इनके लिए शुभ होते हैं, अग्नि तत्व के मंत्र इनके लिए अशुभ होते हैं। तो जो दोस्तों ल च और द, ल च और द इन अक्षरों से जो मंत्र शुभ जो शुरू होते हैं वो मंत्र महाशुभ रहते हैं मीन राशि वालों के लिए। इसमें आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का आप जप कीजिए, सुबह और शाम दोनों वक्त आप इसको 10-10 मिनट जपिए, महाशुभता देने वाला ये मंत्र है, हर कठिनाई से आपको ये बचाएगा। इसके अलावा जैसे शुक्र मीन राशि में जनरली अच्छा फल नहीं देता है, बाधक होता है, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस महामंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मतलब जो आपके राशि के अनुसार शरीर का तत्व है और जो मंत्र का तत्व है अगर वो मैच खाता है तो वो मंत्र आपको जल्दी फलदायी होगा, महाशुभता देने वाला होगा। फिर किसी तत्व की राशि के साथ उनके मंत्रों को उनके लिए शुभ मंत्र मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।